तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज ऑफ इंडिया में। आपका मेजबान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम कुरला वेस्ट किस्मत नगर में मौजूद है। तो मौजूद होने की वजह मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग पानी की लाइन को लेकर बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान रहे। यहाँ के नगर सेवक की कोई कोशिश नहीं रही, कोई काम नहीं रहा, कोई काम को अंजाम नहीं रहा। इस विषय पर, इस बिना पर कप्तान मलिक साहब और वार्ड नंबर 170 के नगर सेवक के प्रेजेंट में हाल ही में, तो उनको किस्मत नगर में आशियाना वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ताहिर अली शेख जी जो प्रेसिडेंट है और उनकी साथीदार, उनकी पूरी टीम, सब लोगों ने मिलकर कप्तान मलिक साहब के पास इस चीज़ का प्रस्ताव रखा। इस काम की बुनियाद के लिए बात करी गई कि यहाँ पर हमको बहुत सी प्रॉब्लम है। तो और कप्तान मलिक साहब ने आज इस काम की शुरुआत की है, इस काम के लिए नारियल फोड़ा है। इसका तीसरा सूत्रों के अनुसार ये सुनने भी आया है कि कप्तान मलिक साहब तो 170 वार्ड के नगर सेवक रहे, लोग उनको इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं, उनको बाकी के वार्ड में भी काम करने का मौका दिया है। जैसे कि 165 वार्ड में भी उनके कितने ऐसे काम चल रहे हैं और 166 वार्ड में भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए बात करते हैं इस विषय पर कप्तान मलिक साहब से, क्या कहना है उनका। कप्तान मलिक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो कप्तान मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलेंगे इस विषय पर आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे, जिस तरीके से आज पानी के दो इंच के पानी का उद्घाटन रखा गया है यहाँ पे, हमारे ताहिर भाई और उनके सारे लोग मिल के आए कि पानी का बहुत बड़ा मसला है। और जो पुरानी लाइन है, कोई ज़माने में नवाब मलिक साहब के टाइम पे डाली हुई थी, वो 20 फुट नीचे चली गई है। और अभी जो पानी लोगों को मिलता है वो एकदम गंदा गटर का पानी मिलता है, इस तरीके का माहौल है। यहाँ की जनता की खुशनसीबी है कि 7 मार्च के बाद में मुंबई में कोई नगर सेवक नहीं रह गया, तो मैं भी नगर सेवक नहीं रह गया, तो मैं आज़ाद हूँ पूरे मुंबई में कहीं भी काम कराने के लिए। तो जिस तरीके से बाकी वार्ड में भी मैं काम करवा रहा हूँ, जब ये लोग आए तो मैंने लेटर देके अधिकारियों को यहाँ पे भेजने का काम किया और यहाँ का प्रस्ताव बनाकर आप जो फंड है लाने का काम किया और यहाँ पे पाइपलाइन डालने का काम किया। इस तरीके से आज यहाँ पे जो इन लोगों की कई दिनों से एक परेशानी थी, आने वाले 2-3 दिन में हल होगी, मेरा ऐसा मानना है। कप्तान जी, आप ये बताइए कि 5 साल में जो यहाँ के कार्यकाल में नगर सेवक ने काम नहीं किया, तो इसमें जिम्मेदार नगर सेवक है या BMC है? ऐसा है कि कुछ हद तक BMC भी जिम्मेदार है, कुछ हद तक नगर सेवक भी। अगर आप अधिकारियों के पास जाओगे, आप अपनी बात बताओगे तो अधिकारी आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप अधिकारियों के पास नहीं जाओगे तो वो बेचारा क्या कर सकता है। लोग ज़्यादा नगर सेवकों के पास भागते हैं, लेकिन 7 मार्च के बाद मुंबई में कोई भी नगर सेवक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, इस तरीके से पूरे एल वार्ड में जिसकी जो भी समस्या होगी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसकी समस्या का हल करके देने का काम करूँगा। लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लोगों के साथ इंसाफ कौन करेगा? क्योंकि आपने इंसानियत दिखाया, अगर आप नहीं होते तो लोग क्या क्या करते और कहाँ जाते? फिर 2-3 से 4 महीने में फिर चुनाव आ रहा है, जनता के हाथ में ताकत है, अपने ताकत का इस्तेमाल करेगी। जवाब तो इंशाल्लाह अच्छे से देंगे हम लोग। तो हमारे बीच आशियाना वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन ताहिर भाई, क्या कहना चाहेंगे कि कितने परेशान थे आप ये सब चीज़ों को लेकर, और क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर? बाजू में हम लोग ने संजय टुडे के पास जाके बहुत ज़्यादा सारा प्रस्ताव दिया, पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, हर चीज़ के लिए, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम थक हार के परेशानी को देखते हुए हम लोग ने भाई के पास गए, कप्तान मलिक भाई के पास गए, उन्होंने 4 घंटे के अंदर प्रस्ताव पास कर दिया है। फिलहाल उनका पानी का काम चालू हो गया है, पाइप डालने का, और इंशाल्लाह आगे हर जितनी भी परेशानियां हैं हमारे उधर सब ये दूर करेंगे, ये उम्मीद है इनसे। पाँच साल जो आपके साथ नाइंसाफी हुई है, अभी आपका समय आया है, तो आपकी क्या सोच है कि आगे आते नगर सेवक के लिए आप लोग क्या हिसाब से काम करेंगे? अभी तक तो हम लोग ने बहुत कई लोगों को वोट किया है, सब लोगों को देख लिया है जी। अब जो हमारे मतलब कोई किसी फायदे की वजह से कप्तान भाई नहीं आए हैं, मगर अब हमारा हक बनता है कि कप्तान भाई को यहाँ से लड़ाने का। अब वो उनकी मर्जी है, वो कहाँ से लड़े, मगर हम दिल से चाहते हैं कि कप्तान भाई नहीं लड़ सकता। कप्तान भाई नहीं लड़ेंगे, लेडीज सीट है, उनके परिवार में कोई भी होगा किसी को भी खड़ा कर देंगे, हम उनके साथ हैं, मंदन के साथ।
संजय टुडे। कौन सी पार्टी से है वो? वो मनसे पार्टी से है। ठीक है, 5 साल जीतने के बाद वो बंदा आज तक अपनी शकल नहीं दिखाया। ये हमारी घर की माए बहने गई थी उसके पास कि पानी नहीं आ रहा है जी। आज 5 साल से हम लोग है ना तराश रहे पानी के लिए। आधे टुकड़े में पानी आ रहा है, वो गटर का पानी आ रहा है। मतलब उसका अगर लेवल चेक करेंगे ना तो गटर से बदतर है पानी। और ये माए बहने गई थी तो इनको बोलता है कि 1 लाख रुपया लाओ, 1.5 लाख रुपया लाओ तो मैं लाइन सही करूंगा। और पूरी लाइन पुरानी हो गई है और ये मोहल्ला टूटने वाला। मतलब कोर्ट का डिसीजन आने से पहले सब अपना अपना कोर्ट का डिसीजन लेके बैठ गए। एल वार्ड ऑफिसर जो हमारे हैं उनका कहना ये है कि भाई इतने टुकड़े में ना हम पानी देंगे, ना लाइट देंगे, ना कुछ देंगे। मैटर कोर्ट में है, कोर्ट के डिसीजन आने से पहले ही एल वार्ड ऑफिसर ने डिसीजन ले लिया है। मतलब हम लोगों को वो जो बोलते ना कि अरे आदिवासी से बदतर कर दिए हमारे को। ये मस्जिद के इस तरफ से इतने टुकड़े को आदिवासी से बदतर टुकड़ा बना के रखे हुए। और उस तरफ से भी जावे ना तो उस तरफ भी पानी नहीं है। पानी परेशान है, मतलब पानी एकदम भर, मतलब मजबूरी में करता नहीं क्या करता। गटर का ही पानी भर रहे, उबाल रहे, भर रहे, पी रहे। आज 15 दिन से एक बूंद पानी, इतने टुकड़े में एक बूंद पानी का नहीं गिरा, एक बूंद। आपने आपकी यहाँ के आवाम ने जो आवाज़ उठाई है तो बीएमसी नगर सेवक के ऑफिस में कितने बार आपने जाके अपनी दुहार लगाई? वो तो मिलता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ की औरतें गई थी, इन लोग माए बहनों को, अपनी माँ बहनों को हम रोड पे ला रहे हैं। हम इतने बेगैरत हो गए, हमारी माँ बहनों को हम रोड पे लेके जा रहे हैं कि भाई चलो तुम पानी के लिए। मतलब हमारा जी के भी कोई फायदा नहीं है। ये कंडीशन इतनी, हमारे नसीबी इतनी अच्छी है कि हम कप्तान भाई के पास गए कि भाई ये तकलीफ है। भाई ने उसी दिन तत्काल सब कुछ, वो यकीन मानेंगे आप कि भाई 4 घंटे के अंदर प्रस्ताव पास करवाए। इसको बोलते नगर सेवक, इसको बोलते इंसान, इसको बोलते इंसानियत। भाई का जरा भी कोई लेना देना नहीं हमारे से। अकीला बेगम, हाँ, तो आपको क्या परेशानी? अरे बहुत परेशानी है, तो लाइट की भी परेशानी, पानी का तकलीफ हो रहा, रोड पार जाते हो नल भी बंद कर दिए। अब बावड़ी का पानी हम लोग बहुत परेशान है। बावड़ी का पानी बार बार पीछे का भरते, पाइप लगा लगा के हम लोग परेशान हो जाते। क्या करे, बच्चे लोग के छोड़ हमारे काम पे चले जाते तो क्या को, हम मैं अकेली जाऊँ दौड़ दौड़ के? अभी आपका काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है तो जो है जो हो सकेगा हम लोग इनके लिए करेंगे। हाँ, इनके लिए न, कप्तान साहब के लिए। हाँ, हम तरह से यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग परेशान है, यहाँ की बिचारी माएँ बहनें, यहाँ के स्थानीय सारे लोग परेशान है। इनका ये कहना है कि यहाँ के नगर सेवक को देखा ही नहीं क्योंकि आता ही नहीं है।